दोस्तों, क्या आपको पता है कि एनीमे के इन्वेंटर ओसामु तेजुका को एनीमे बनाने का इंस्पिरेशन कहां से मिला था? अटैक ऑन टाइटन जैसी स्टोरी का आइडिया एक शराबी इंसान से मिला था। और दुनिया का सबसे लंबा एनीमे कौन सा था? दोस्तों, इस वीडियो में आप एनीमे से जुड़े कुछ ऐसे ही फैक्ट्स जानने वाले हो जो कि 101% आपको पहले पता ही नहीं होंगे। तो रिक्वेस्ट है आपसे कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 1, एनीमे इज इंस्पायर्ड बाय डिज्नी। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। दोस्तों, ओसामु तेजुका जो कि एनीमे के इन्वेंटर थे, वो बहुत बड़े डिज्नी के जबरन फैन थे और यही वो वजह है जिसकी वजह से काफी हद तक एनीमे डिज्नी से इंस्पायर है। आपने ये जरूर नोटिस किया होगा कि एनीमे में जो कैरेक्टर्स होते हैं उनकी आंखें बहुत बड़ी होती हैं, जिसकी वजह से एक कैरेक्टर काफी खूबसूरत भी दिखता है। तो दोस्तों, इसका भी जो मेन आइडिया था वो भी डिज्नी से ही आया था, क्योंकि आपने भी ये नोटिस किया होगा कि डिज्नी की एनिमेटेड मूवीज में भी उनके कैरेक्टर्स की आंखें काफी बड़ी होती हैं, जैसे कि मिकी माउस, उसकी भी आंखें काफी बड़ी हुआ करती थी। फैक्ट नंबर 2, सबसे लंबा एनिमे जिसके 7400 एपिसोड थे। तो दोस्तों, आपको लगता होगा कि वन पीस सबसे लंबा एनीमे है क्योंकि उसके 700 एपिसोड्स हैं। हो सकता है कि आपको लगे कि डिटेक्टिव कोनन सबसे लंबा एनीमे है क्योंकि उसके अभी 800 एपिसोड्स हैं। लेकिन आपको बता दूं कि सबसे लॉन्गेस्ट एनीमे जिसका नाम है सजाई सेन, जिसके पूरे 7400 एपिसोड्स हैं। फैक्ट नंबर 3, दुनिया में जितने भी एनिमेशन बनाए जाते हैं उसका 60% तो सिर्फ और सिर्फ जापानीज एनीमे है। और इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हो कि जापान में जितने पेपर एक साल में टॉयलेट पेपर के लिए यूज नहीं होते ना, उससे कई ज्यादा पेपर तो वो मांगा प्रिंट करने में यूज करते हैं। तो अगर आपको गलती से कोई भी ये कहे कि उसने सभी एनिमेस देखे हैं या मांगा पढ़ी है, तो तुम उसके ये करना। फैक्ट नंबर 4, एनीमे कैरेक्टर का हेयर कलर उसकी पर्सनालिटी को शो करता है, क्योंकि जब हमें कोई एनीमे का कैरेक्टर बहुत ज्यादा पसंद आता है तो हम उसके हेयर स्टाइल और हेयर कलर को भी पसंद करते हैं, लेकिन उस हेयर स्टाइल और हेयर कलर के पीछे रीजंस होते हैं। दोस्तों, जब एनीमे धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा था तब किसी भी कैरेक्टर के हेयर स्टाइल और हेयर कलर इस बेसिस पे चूज होते थे कि वो उस कैरेक्टर की पर्सनालिटी को शो करें। अलग अलग हेयर कलर कैरेक्टर्स की अलग अलग पर्सनालिटी को शो करते हैं, जैसे कि अगर किसी कैरेक्टर के रेड कलर के हेयर को गुस्से वाली या फिर बहुत रोमांटिक पर्सनालिटी शो करने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन अब धीरे धीरे ये चीज पूरी तरह से खत्म हो गई है। फैक्ट नंबर 5, अटैक ऑन टाइटन शराबी लोगों से इंस्पायर है। जी हाँ, सही सुना आपने। हाजीमे इसायामा जो कि इसके राइटर हैं, एक दिन उनको शॉप में एक शराबी को फेस करना पड़ा था और वो शराबी इंसान हर एक के साथ लड़ रहा था और उसका रीजन किसी को भी नहीं पता था। वो शराबी इंसान कुछ ज्यादा ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, लेकिन किसी न किसी तरीके से हाजीमे इसायामा ने उस शराबी इंसान को कंट्रोल किया। तो इस सिचुएशन ने हाजीमे के ऊपर इतना ज्यादा इम्पैक्ट किया कि उन्होंने इसकी इंस्पिरेशन लेके एक पूरी मांगा बना दी। तो इस मांगा में शराबी इंसान को दरअसल टाइटन के फॉर्म में दिखाया गया है और साथ ही में ये भी दिखाया गया है कि कैसे एक शराबी इंसान अपनी लिमिट्स क्रॉस करके बाकियों की लाइफ पर इफेक्ट करता है। नंबर 6, एनिमे डेस प्रोडक्ट प्रमोशन। दोस्तों, आपने किसी न किसी टीवी शो पर ये तो जरूर देखा होगा कि किसी एपिसोड्स में आपको किसी ब्रांड के प्रोडक्ट का प्रमोशन जरूर देखने को मिलेगा। तो ठीक इसी तरह के प्रोडक्ट प्रमोशन एनीमे में देखने को मिलते हैं। अब हो सकता है इस प्रोडक्ट प्रमोशन को हम एनीमे में नोटिस ना कर पाए क्योंकि एनीमे में उस प्रोडक्ट को भी एनिमेट किया जाता है, तो एनिमेटेड फॉर्म में होने की वजह से ही हमारा ध्यान ज्यादातर उस प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाता है और यही रीजन है जिसकी वजह से एनिमेस को ज्यादातर ब्रांड स्पॉन्सर नहीं करते हैं। फैक्ट नंबर 7, डेथ नॉट कॉजिंग ट्रबल फॉर टीचर्स। दोस्तों, जब डेथ नॉट रिलीज हुआ था तो बहुत ही कम समय में डेथ नॉट बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गया था। स्कूल के बच्चों ने भी इस एनिमे को देखकर अपनी खुद की डेथ नॉट बना ली थी और यहाँ तक कि अपने टीचर्स के नाम तक उसमें लिखे थे, और ऐसे ही बहुत सारे बच्चे अपने टीचर्स का नाम उस डेथ नॉट में लिखने लगे थे। तो जब ये टीचर्स ने देखा तो उन्होंने अपने सीनियर से कंप्लेन कर दी। ये चीज बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी और एक वक्त तो मीडिया भी इस चीज को कवर कर रही थी। डेथ नॉट की वजह से होने वाली इन सभी चीजों को देखकर चाइना ने भी डेथ नॉट को बैन कर दिया था। फैक्ट नंबर 8, मल्टीपल वॉइसेस वन कैरेक्टर। दोस्तों, एनीमे बहुत सारी लैंग्वेजेस में डब होता है और बहुत सारे कैरेक्टर्स को एक ही वॉइस आर्टिस्ट अपनी वॉइस देता है, लेकिन क्या आपने कभी ये सुना है कि एक ही कैरेक्टर की डबिंग 22 वॉइस ओवर आर्टिस्ट ने की हो? दोस्तों, इस दिस ज़ॉम्बी नाम का एक एनीमे है जिसमें एक कैरेक्टर है यूक्ले वर्ल्ड, जो कि बहुत ही कम बोलता है। इस एनीमे में 22 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड में उस कैरेक्टर की वॉइस अलग अलग है। फैक्ट नंबर 9, एक मांगा राइटर को और एनिमेटर को बहुत ही कम पैसों में काम करना पड़ता है।
फिर ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि वो कितनी देर तक और किस क्वालिटी का काम कर रही हैं, और कभी कभार तो उन्हें फ्री में भी काम करना पड़ता है। हालांकि ऐसा क्यों है इसका सटीक जवाब अभी तक अवेलेबल नहीं है। फैक्ट नंबर 10, सास्के वाज गोइंग टू रिप्लेस नारुतो। किशिमोटो जो कि नारुतो के राइटर हैं, उनका कोई भी इंटेंशन नहीं था कि सास्के नाम का कोई भी कैरेक्टर एनीमे में होगा, लेकिन यही बात एडिटर्स को बहुत अजीब लगी और उन्होंने ये डिस्कशन किया कि नारुतो सीरीज को और भी आगे खींचने के लिए हमें कोई नया दमदार कैरेक्टर चाहिए। तो ऐसे ही एडिटर्स के आइडिया से सास्के कैरेक्टर एनीमे में आया। तो जब सास्के का कैरेक्टर बना तो वो नारुतो के मेकर्स ने इतना ज्यादा पसंद किया कि उन्होंने ये भी सोचा था कि हम नारुतो को सेकेंडरी कैरेक्टर रखेंगे और सास्के को मेन कैरेक्टर। लेकिन जैसे ही ये सीरीज प्रोडक्शन में आई उसके बाद ये आइडिया कैंसिल किया गया। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ ही में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही और फैक्ट्स आप जान सकें। धन्यवाद।